जिंदगी की मेरी पहली इंटरनेशनल ट्रिप थी श्रीलंका, वो भी बाइक क्रूज। लास्ट व्लॉग में हम्बनटोटा में उतरने के बाद हम लोगों ने क्या क्या किया, कहाँ पे गए, सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था और उन सभी व्लॉग्स को आप लोगों ने इतना सारा प्यार दिया वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलूंगी ट्रिंको मैली, साथ ही साथ ये भी बताऊंगी कि जाफना जाते वक्त हमारे साथ क्या क्या हुआ। दुख के साथ मुझे ये भी बताना पड़ रहा है कि आज की वीडियो के साथ ही श्रीलंका वाली सीरीज खत्म हो रही है, ट्रैवलिंग फिर भी जारी है क्योंकि इसके बाद आप लोगों को और भी ढेर सारा ट्रैवल सीरीज देखने को मिलेगा लाइक चेन्नई, रामेश्वरम, मुंबई, दार्जिलिंग एंड व्हाट नॉट। सो वेट फॉर दैट क्योंकि मैं काफी टाइम बाद थोड़ी सी कम बैक कर पाई हूँ एंड ऑल थैंक्स टू यू गाइज। तो चलो आज की ब्लॉग इसे स्टार्ट करते हैं एंड डेफिनेटली अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो देन प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ यू लाइक द कॉन्टेंट एंड प्रेस द बेल आइकन बिसाइड द सब्सक्राइब बटन। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन माई सोशल मीडियाज, आई विल पुट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन box. So finally, without any further ado, let's get started. 13 तारीख हम्बनटोटा से वापस आने के बाद हम लोगों को रात में ही 14 तारीख की एक्सकर्शन टिकट मिल गई थी और हमें आज जाना था वेल एंड डॉल्फिन देखने। तो हम लोग जल्दी जल्दी मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट करने के लिए चले आए थे। वहाँ पे दो जगह पे आपको ब्रेकफास्ट सर्व किया जाता है। ब्रेकफास्ट क्या, सबके सब मतलब जो भी आप खाते हो, पहली तो डेक नंबर 10 पे जहाँ पे फूड कोर्ट था एंड दूसरा 3 और 4 डेक में जहाँ पे आपको जैन फूड भी मिलता है जो कि प्योर वेज है। साथ ही साथ उन लोगों का जो डाइनिंग है चॉपस्टिक वो भी आप लोगों को वहीं पे ही मिल जाएगा, प्राइवेट डाइनिंग। तो हम लोग जल्दी जल्दी खाना खत्म किए फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे बस में, जिसके बारे में मैं पिछले दिन बता रही थी कि लकी सर जो हम लोगों को घुमा रहे थे वो यही थे एंड एक्सकर्शन के हिसाब से आप लोगों को 2 से 3 या तो फिर 3 से 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिनमें से अगर आप उन लोगों के यू नो सर्विस लेते हो तो आप बस उनमें से कोई एक ले सकते हो, नॉट मोर देन 1। तो हम लोगों ने इसीलिए डॉल्फिन को चूज किया था। उसको छोड़ के भी कुछ हिस्टोरिकल पार्ट थी एंड कुछ सिटीज के पार्ट थे कि आपको सिटी देखना है या तो फिर आप अगर चाहो तो किसी एक नॉर्मल सी यू नो हिस्टोरिकल प्लेस पे जाके वहाँ के बारे में और भी थोड़ा जान लो। तो ऐसे करते करते हम लोग चले आए थे इस रिसॉर्ट में। नाउ टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे मेरी तबीयत इतना ज़्यादा अंदर से ख़राब हो रहा था कि मुझे सच्ची मुच्ची में कुछ भी याद नहीं था कि जगह का नाम क्या था क्या नहीं था। बस मैं कैमरा ऑन करके ब्लॉग कर रही थी एंड जस्ट लुक एट दिस बीच। मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि यहाँ पर ज़्यादातर फॉरिनर्स थे, फॉरेनर्स इन द सेंस हम लोग भी एज पर श्रीलंका फॉरेनर्स ही थे, बट वॉट आई एम ट्राइंग टू से कि हमारे इंडिया के लिए जो लोग मतलब बहुत गोरे चिट्टे होते वैसे लोग थे। तो उस रिसोर्ट में ज़्यादातर बिकिनी पहन के सब लोग बस चिल मार रहे थे एंड मीनवाइल हम लोग यहाँ पे 4 बोट लेके निकल गए थे डॉल्फिन देखने के लिए। आज हम लोगों ने सुना था कि जो भैया हम लोगों को ले जा रहे थे उनको मॉर्निंग में वेल देखने को मिला, इसलिए हम लोग सोच ही रहे थे कि शायद हमारी जो वेल देखने की चांसेस है वो काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइस, मैं और इस चीज़ को एग्जैजरेट नहीं करूँगी, लेकिन लास्ट में हम लोगों को वेल देखने को नहीं मिला था। एक एक एक्सकर्शन के लिए ये लोग काफ़ी ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं, तो उसके मुताबिक वो लोग भी चाहते हैं कि हम लोगों को सर्विस जो है वो प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड कर पाए। ट्रिंको मैली की जिस रिसोर्ट से हम लोग बोट पे चढ़े थे वहां से वेल या तो फिर डॉल्फिन देखने के लिए आपको बहुत दूर जाना नहीं था, बट हम लोगों को नहीं दिख रहा था कहीं पे भी, इसीलिए हम लोग मतलब काफ़ी दूर तक चले गए थे एकदम बीच समुंदर में जहाँ पे आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा विदाउट द ओशन, विदाउट द वाटर एंड जो आप लोगों के साथ थे वो आसपास सभी बोट्स थे वो लोग भी मतलब ढूंढ रहे थे कि किसी एक को दिख जाए ताकि बाकी लोग भी देख पाए। और यहाँ पर तो नॉर्मल जर्किंग आप देख रहे हो, बट आई एम टेलिंग यू गाइज दिस वॉज द मोस्ट हॉरिबल थिंग आई हैव एवर एक्सपीरियंस्ड। इतना ज्यादा कमर में बम में दर्द हो गया था, बट हाँ आप गिरोगे भी नहीं। 1.5 घंटे तक घूमने के बाद भी जब हम लोगों को कुछ भी देखने को नहीं मिला, मतलब वहां पे एक सिंगल ट्रेस भी नहीं था, तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वापस चलते हैं। एंड सडनली वहां पे एक भैया वो काफी टाइम से ढूंढ रहे थे, सडनली उन्होंने कहा कि यहाँ पे आओ शायद यहाँ पे डॉल्फिन होगा एंड देन वी स्टार्टेड चेसिंग। सामने सामने सामने।
तो देखने को नहीं मिला, बट जो एक्सपीरियंस हम लोगों ने उस टाइम पे किया, मैं आपको अभी भी बता नहीं सकती। जब मैं इस वॉइस ओवर को दे रही हूँ, मुझे गूस बम्प आ रहे हैं। तो वहाँ से हम लोग जल्दी जल्दी चले आए थे रिसोर्ट में, एंड वहाँ से बस पे चढ़े गए एक लोकल सिटी में, क्योंकि हमें थोड़ा सा टाइम दिया गया था कि हमें अगर कुछ शॉपिंग करना है तो हम लोग कर सकते हैं, साथ ही साथ घूम भी पाएंगे। तो वहाँ पर मैं जल्दी जल्दी गई, माँ को मैंने कहा कि आप जाके करेंसी एक्सचेंज करके लाओ, क्योंकि हमें नेक्स्ट दिन जाफना के लिए निकलना था। एंड मीन वाइल मैं गई थी स्नैक्स की दुकान पर, तो भैया मुझे सब कुछ दिखा रहे थे, बता रहे थे कि ये है वो है, तो मैंने मेरे लिए और माँ के लिए कुछ लिया भी था वहाँ से। तो अभी 45 मिनट्स मिला है यहाँ पे घूमने के लिए, एंड आप यही नहीं मानोगे, द पीपल आर लिविंग हेयर आर सो स्वीट। तो मैंने यहाँ पे कुछ स्नैक्स लिया है क्योंकि आई लिटरली वॉन्टेड टू ट्राई देम आउट। मम्मी को मैंने बोला था कि मार्केट में रहे, लेकिन आई लिटरली कैन नॉट फाइंड हर, सो लेट मी जस्ट ग्रैब हर एंड देन आई विल टॉक टू यू। बेसिकली दिस इज द प्लेस एंड दिस इज द सिटी। तो ये था वहाँ का मार्केट। तो जब मैं वहाँ पे गई, मुझे अलग कुछ नहीं लगा इंडिया से, जो इंडिया में मिलता है वही था वहाँ पे। तो हम लोगों ने अलग से वहाँ से कुछ नहीं लिया, क्योंकि नेक्स्ट दिन जाफना के लिए मेरे दिमाग में पूरी की पूरी प्लान सेट थी कि हम लोग वहाँ पे ही शॉपिंग करेंगे, ताकि कुछ मतलब श्रीलंका वाली वाइब मिल जाए, जो कि हम लोग हमारे घर के लिए या तो फिर जो करीबी है उनके लिए मतलब ले आ सके। देन हम लोग चले गए थे वहाँ पे एक पाइस होटल आप कह सकते हो। तो मैंने लिया था ये वनीला फ्लेवर्ड की एक ड्रिंक, उसके साथ एक चिकन समोसा एंड थोड़ी सी चाय। टू बी वेरी ऑनेस्ट द समोसा वाज गुड, बट उनकी हर एक फूड में वो फ्लेवर आपको मिलेगा जो एज एन इंडियन एज अ बंगाली मुझे उतना खास नहीं लगता है। इडली डोसा सांभर में चलता है, लेकिन सभी चीज़ों में नहीं। बट अगर आप कभी भी श्रीलंका जाते हो तो वहाँ का चाय ज़रूर ट्राई करना, वो भी लोकल शॉप से, क्योंकि बहुत अमेजिंग होता है, जो अरोमा होती है आपको पसंद आएगी अगर आप एक चाय लवर हो। तो हम लोगों ने वहाँ पे थोड़ी सी स्नैकिंग की, एंड निकलते ही जहाँ पे बस टर्मिनल था, हमारी बस आने वाली थी, वहाँ पे मुझे दिखा ये डियर्स। पहले तो मैं थोड़ी सी डर गई थी, लेकिन उसके बाद मैंने देखा सभी मतलब जो इंसान वहाँ पे थे, वो लोग आके इनको खाना खिला रहे थे, उनको प्यार कर रहे थे, और वो लोग भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा लाइटली ले रहे थे। तो मतलब मुझे ऐसा लगा कि दे वेर हैबिचुएटेड, उनको पता है कि हाँ टूरिस्ट आते हैं या तो फिर नॉर्मल इंसान भी हम लोग को ये चीज़ करता है, एंड दिस इज़ ओके फॉर अस। देन हम लोग बस में चढ़े, वहाँ से जल्दी जल्दी हम लोग पहुँचे क्रूज़ में। अभी जो लोग इंडिविजुअली घूमते थे वहाँ पे जाके एक एक स्पॉट में, तो उनका एक टाइम पीरियड होता था कि आपको 4:30 बजे तक क्रूज़ में वापस आना होगा, अदरवाइज क्रूज़ रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ये एक नोटिस किया जाता था। तो हम लोगों को थोड़ा सा जल्दी जल्दी उस दिन लाया गया था, तो हम लोग चले गए थे लंच करने, झटपट झटपट लंच की क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भूख लग रही थी। एंड इस टाइम पे क्रूज़ इतना ज़्यादा क्यों हिल रहा था, आई लिटरली डोंट नो। ऑल दो वो एकदम आप क्या कह सकते हो, मतलब बंगाली में हम उस चीज़ को पार बोलते हैं, अभी मुझे वो वर्ड मतलब याद नहीं आ रहा। तो रूम में आते ही मैंने इस चिपकूसा ड्रेस को फिर से पहन लिया, क्योंकि मुझे ले जाना था बिकिनी, मुझे ले जाना था स्विम सूट, बट मेरी ये ट्रीटमेंट के बाद जितने भी सारे बर्न्स मेरे हाथों में पैरों में हुआ था, उसके बाद मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं था। एंड थैंकफुली मैं लेके नहीं गई, क्योंकि काफ़ी सारे फैमिलीज थे, बच्चे थे, तो आप ऐसे ही वो सब नहीं कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों ने कमेंट भी किया है कि आपने हाथ क्यों काटा ये वो, तो उन लोगों को मुझे कुछ भी आंसर नहीं करना। बस जो लोग मतलब कंसर्न थे, मैं उन लोगों को यही कहूँगी कि ये एक ट्रीटमेंट चलते हुए बस एक एक्सीडेंट हो गया था, मुझे किसी को बैश नहीं करना, इसलिए मैंने इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं की और आगे चल के भी मुझे नहीं करना है। सो गाइज आई होप यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एज वेल। तो बार बार इस चीज़ को मत पूछा करो, क्योंकि मुझे ऑकवर्ड लगता है, क्योंकि मैंने आंसर कई बार दे दिया है। चलो अभी रूम में जाते हैं एंड रेडी होते हैं। तो अभी बज रहा है तकरीबन 5:30 और जस्ट मैं पूल से आई कुछ ही देर पहले, मैंने नहा लिया, कुछ कपड़े थे लॉन्ड्री में दे दिया। अभी मैं जाऊंगी झटपट झटपट रेडी होऊंगी, क्योंकि इसके बाद एक के बाद एक शो है और माँ वहाँ पे एज यूजुअल थोड़ा सा रेस्ट ले रहा है, मतलब ले रहे हैं। तो चलो मैं आप लोगों से मिलती हूँ रेडी होने के बाद, एंड क्या शो है आज वो भी मैं छोटी छोटी करके क्लिप दिखाती हूँ। तो आज मैं कुछ इस तरीके से रेडी हो गई थी, मैंने ज़ारा का ये गाउन पहना था जो कि काफ़ी प्रिटी लग रही थी, एंड एट द सेम टाइम मेरी फेस की ये जो स्वेलिंग
ये कभी आ रही थी कभी जा रही थी, तो उस चीज़ को लेके भी हो रहा था प्रॉब्लम। लेकिन हमारा तो प्लान पूरी की पूरी फिक्स थी कि सबसे पहले हम लोग जाएंगे और ये जो साउदर्न वेगेंजा, इफ़ आई एम नॉट दैट रॉन्ग, तो ये एक शो था जहाँ पे पूरी की पूरी साउथ इंडियन फिल्म्स के गाने चल रहे थे, जहाँ पे ये लोग परफॉर्म कर रहे थे। एंड एज द प्रीवियस वीडियो मैं सेम चीज़ कहूँगी कि इतना टैलेंटेड मतलब इंसान मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा। सभी के सभी स्टाफ्स जो इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म करते थे एंड लास्ट में जो ग्रीट करते थे, दैट वॉज जस्ट द टॉप नॉच। उसके बाद हम लोग चले गए थे वहाँ से एक शो अटेंड करने। तो जो शो हम लोगों ने अटेंड किया था वहाँ पे भी सब मलयालम, तेलुगु, तमिल इन सभी गाने चल रहे थे। मुझे कुछ कुछ गाने का मतलब पता है क्योंकि मैं भी सुनती हूँ गाड़ी में जब भी अकेला रहती हूँ। एंड लास्टली हम लोग गए थे पूल डेक में क्योंकि आज फिर से यहाँ पे होने वाला था पार्टी। लास्ट दो दिनों से अंकल आंटी लोग इतना ज़्यादा नाच रहे थे, तो जो लोग हमारी एज के थे उनको ना वो जगह मिलती नहीं थी। मैं देखती थी कि अंकल आंटी नाच रहे थे, बाकी लोग चुपचाप बैठे। सो फाइनली हमें भी थोड़ा सा मौका मिल गया उस दिन कमर हिलाने के लिए, क्योंकि लास्ट दो तीन दिनों से आप यकीन नहीं मानोगे अंकल आंटियों को नाचते हुए देखते देखते हम लोग थक गए थे कि हमें भी थोड़ा सा मिल जाए नाचने को। बट कोई भी अपना जगह नहीं छोड़ते थे एंड द पूल बार में हम लोग नाच नहीं सकते। और आज मैं जिसके साथ डांस कर रही थी शी वॉज ऑल्सो बंगाली, सो कम्युनिकेशन अमेजिंग था, गाना अमेजिंग चल रहा था। एंड ऐसे ही नाचते नाचते आज का दिन ख़त्म हुआ। बट नेक्स्ट दिन था हमारा जाफना का, जो कि काफ़ी दुखदायक होने वाला था। 15th ऑफ सितंबर श्रीलंका में हमारी लास्ट दिन होने वाली थी एंड हमें आज निकलना था जाफना के लिए। मैंने इस ड्रेस को मैंगो से लिया था एंड ये इतना ज़्यादा खूबसूरत था, तो मैं इस ड्रेस को बचा के रखी थी कि लास्ट दिन पहनूंगी। एंड जिस चीज़ को लेके आप ज़्यादा एक्साइटेड होते हो वही चीज़ तो मतलब गंदा होता ही है। 6:45 तक जब हम लोग कनेक्शन रूम में पहुंचे तो वहाँ पे हम लोगों को देखने को मिला कि ढेर सारे लोग पैसेंजर्स वहाँ पे यू नो टूरिस्ट वेट कर रहे थे, जो कि मतलब होता नहीं था ऐसा। तो बैठे बैठे तकरीबन आधा घंटे हो जाने के बाद हम लोगों को पता चला कि कंका संतुराय की जो वेदर है वो एकदम अच्छा नहीं है। क्रूज से 3-4 ऑफिसर्स गए थे वहाँ पे एंड उन लोगों ने देखा कि मतलब छोटी बोट लेके कि क्रूज़ यहाँ पे रुक सकता है या तो फिर नहीं। तो फिर उन लोगों ने डिसाइड किया काफ़ी टाइम के बाद, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छा लगा कि उन लोगों ने एक मीटिंग किया, देर घंटे तक बातचीत हुई कि हो सकता है या तो फिर नहीं। लेकिन हाँ, वेदर इतना ही ज़्यादा ख़राब था कि लास्ट मोमेंट में डिसीजन लेना पड़ा कि हम लोग जाफना नहीं उतर सकते। ऑल दो उसका जो मतलब एक्सकर्जन का जो प्राइस हम लोगों ने ऑलरेडी पे किया था वो हम लोगों को रिफंड मिल जाएगा। तो मैं चली आई थी फिर से इसकी मतलब अंदर जो शॉप्स थी जो कि तब तक खुली नहीं थी, वहाँ पे क्या क्या मिलता है क्या क्या नहीं मिलता है वो दिखाने के लिए। रूम में जब आई तब हम लोगों को चार्ट मिला आज के दिन की पूरी एक्टिविटी का, क्या होने क्या क्या वाली है। सबसे पहले तो ये गेम था जो खेलने में गाइज इतना ज़्यादा मज़ा आया, जो हार रहे थे उनके सिर पर बलून फोड़ा जा रहा था जिसमें पानी था एंड सभी लोग इंजॉय कर रहे थे। मुझे तो ऐसा लगा कि लास्ट डे में जाके लोगों ने एक दूसरे से बातें करना चालू कर दिया था, क्योंकि तब हमारे पास और कोई ऑप्शन था नहीं क्रूज में इन सभी एक्टिविटीज को अटेंड करने के अलावा। इसीलिए मैंने उस दिन और कुछ भी वीडियो शूट नहीं किया था क्योंकि अटेंड करने में इतना ज़्यादा बिजी थी, साथ ही साथ पैकिंग भी था। एंड फाइनली वो मोमेंट आया जब हम लोगों को श्रीलंका छोड़ के चेन्नई वापस आना था एंड यहाँ से स्टार्ट होने वाली थी हमारी दूसरी जर्नी। सो फाइनली 16th ऑफ सितंबर को मॉर्निंग में हमारी क्रूज पहुंच गई थी चेन्नई पोर्ट में। हमारा पैकिंग वगैरह सब कुछ कंप्लीट था, बस निकलना था। इसके बाद ये क्रूज जाने वाली थी लक्षद्वीप, कोच्चि, मुंबई एंड गोवा। तो फाइनली इसे टाटा बाय बाय करके हम लोग जाने वाले थे चेन्नई। Hi guys, good morning again and this will be for the last time good morning from the cruise, क्योंकि आज हमारा ये जो श्रीलंका का ट्रिप है वो ख़त्म हो रहा है एंड साथ ही साथ ब्लॉग भी। आई होप आप लोगों ने सभी मतलब अच्छा लगा होगा ये जो ब्लॉग्स मैंने अपलोड किया है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना एंड इसके बाद आपको और एक ट्रैवल ब्लॉग देखने को मिलेगा, अभी आता रहेगा धीरे धीरे। सो
या चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। मैं आप लोगों से मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत कुछ लेके जा रही हूँ यहाँ से, सो अच्छा भी लग रहा है, बुरा भी लग रहा है, बट या आज इज 16th और आज हम लोग चेन्नई पे उतरेंगे, वहाँ से स्टार्ट होगी अनदर जर्नी। तो साथ में रहो, देखते रहो। मैं लेती हूँ अलविदा, मिलती हूँ बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड स्टे।